चिंकी ने बनाया केक। आज गट्टू चिंकी की स्कूल की छुट्टी थी और वो दोनों बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे। तभी चिंकी टीवी ऑन कर देती है। इतना बोर हो रहे हैं गट्टू, चलो मिलकर टीवी देख लेते हैं। हाँ चिंकी, चलो कुछ अच्छा सा देखते हैं। क्या करे, कोई कार्टून देखे क्या? अरे नहीं नहीं चिंकी, मुझे कार्टून नहीं देखना, कुछ और ढूंढो ना अच्छा सा। अरे वाह, ये देखो गट्टू टीवी पे कुकरी शो आ रहा है। मम्मी इसी को देखकर हमारे लिए नई नई डिशेस बनाती हैं। अरे हाँ चिंकी, चलो देखते हैं कि आज इसमें क्या बनाना सिखाएंगे। मैं तो काफी एक्साइटेड हूँ इसे देखने के लिए, मम्मी तो इस शो को रोज देखती है। कुकरी शो में केक की रेसिपी आ रही थी। गट्टू और चिंकी बड़े ध्यान से रेसिपी देखने लगे। चिंकी, इन्हें केक बनाते देखकर तो मेरा भी मन कर गया केक खाने का, क्यों ना हम भी मिलकर एक केक बनाए। हाँ गट्टू, मैं भी यही सोच रही हूँ, वैसे भी हम दोनों खाली ही बैठे हैं, इतना बोर हो रहे हैं। तो चलो फिर देर किस बात की, चलो चलकर चेक करते हैं कि किचन में केक बनाने का सामान कहाँ रखा हुआ है। हाँ गट्टू, तुम जाओ सामान ढूंढना शुरू करो, तब तक मैं मम्मी से केक बनाने की परमिशन लेकर आती हूँ। दोनों अपने अपने काम में लग जाते हैं। फिर गट्टू बहुत उदास होकर चिंकी के पास आता है। चिंकी मम्मी के रूम में थी। आओ गट्टू, देखो मम्मी ने हमें केक बनाने की परमिशन दे दी है। अरे लेकिन चिंकी, हम केक बनाएंगे कैसे, किचन में तो केक बनाने का पूरा सामान ही नहीं है। हाँ बच्चों, मुझे अभी याद आया, मैंने लास्ट वीक केक बनाया था ना, उसके बाद मैं अभी तक शॉपिंग पे नहीं जा पाई हूँ, इसीलिए केक बनाने का पूरा सामान अवेलेबल नहीं है। ये सुनकर गट्टू और चिंकी बहुत उदास हो जाते हैं। इतना बोर हो रहे थे हम, कितनी मुश्किल से एक आइडिया आया कि केक बना लेते हैं, अब क्या करेंगे। अब आप भी हमारे पसंदीदा टॉयज ऑर्डर कर सकते हैं www.funtoonkids.com से, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। मम्मी बच्चों को उदास देखती है तो कहती है, अरे गट्टू चिंकी, तुम दोनों इतना भी परेशान मत हो, मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है। तुम रेगुलर केक की जगह एक स्पंज केक बना लो, उसको बनाने का पूरा सामान है घर में। ये सुन के गट्टू और चिंकी को फिर से थोड़ी उम्मीद दिखाई दी। वह फिर से थोड़े से एक्साइटेड हुए मम्मी के पीछे पीछे किचन की तरफ चल पड़े। देखो बच्चों, तुम्हारे पास इंग्रेडिएंट्स तो कम है, इसीलिए तुम वैसा केक नहीं बना पाओगे जैसा टीवी में देखा था, लेकिन हाँ तुम फिर भी एक अच्छा केक बना सकते हो इन लिमिटेड इंग्रेडिएंट्स के साथ। ठीक है मम्मी, हम दोनों रेडी है, है ना चिंकी? हाँ मम्मी, हम दोनों रेडी है। ठीक है फिर, चलो अब मैं जैसा जैसा बोलूँ उसको फॉलो करते जाओ। फिर मम्मी गट्टू और चिंकी को अपने स्पंज केक की रेसिपी बताती है और वो दोनों मम्मी के बताए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते जाते हैं। अच्छा बताओ गट्टू चिंकी, तुम्हें किस शेप का केक बनाना है? स्क्वायर शेप का। नहीं नहीं, वो तो इतना बोरिंग होता है, एक हार्ट शेप का केक बनाते हैं। चलो ठीक है, हार्ट शेप का ही बनाते हैं। ओके बच्चों, शुरू करते हैं। अरे चिंकी, तुमने तो अपने फेस पे इतना सारा कोको पाउडर लगा लिया है। अरे कहाँ का, बताओ मुझे। आओ चिंकी, लाओ मैं तुम्हारा फेस साफ कर देती हूँ। मम्मी ये बैटर तो रेडी हो गया है, एक बार इसे फाइनली टेस्ट कर लेते हैं कि कैसा बना है, फिर इसे बेक करेंगे। हाँ गट्टू, गुड आइडिया। अरे ये क्या, इस बैटर में तो शक्कर कुछ कम लग रही है। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? चिंकी तुमसे मैंने कहा था ना कि इसमें 120 ग्राम शुगर डाल दो। अरे सॉरी मम्मी, मैंने तो सिर्फ 100 ग्राम ही शुगर डाली। ओ, इसीलिए केक कम मीठा लग रहा है। कोई बात नहीं, अब ऐड कर दो 20 ग्राम शुगर। हाँ मम्मी, अभी करती हूँ। और एक काम और करो, इसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस भी डाल दो, तब इसका फ्लेवर और अच्छा हो जाएगा। हाँ मम्मी, अभी ऐड करता हूँ। थोड़ी देर बाद गट्टू चिंकी का मिनी स्पंज केक बनकर तैयार हो जाता है। वाओ, कितना क्यूट लग रहा है ना हमारा ये छोटा सा केक। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतने कम इंग्रेडिएंट्स के साथ भी हम इतना अच्छा केक बना सकते हैं। और तो और, इसे बनाने में टाइम भी कितना कम लगा है ना चिंकी। हाँ गट्टू, ये सब हमारी प्यारी मम्मी का कमाल है, उन्हीं के आइडिया से हमने इतना बढ़िया केक बनाया है। थैंक यू मम्मी। अरे इसमें थैंक यू कैसा बच्चों, मुझे भी बहुत खुशी हुई तुम्हें ये केक बनाना सिखा के। अब बस पापा के आने तक का इंतजार करते हैं, वो जल्दी से घर आए तो हम लोग मिलकर ये केक काटेंगे और खाएंगे।
फिर गट्टू चिंकी गेट के पास खड़े होकर पापा के आने का वेट करते हैं और उनके आते ही जोर से चिल्लाते हैं, सरप्राइज। अरे अरे, ये क्या गट्टू चिंकी, केक? क्या बात है, किस खुशी में आज केक मिल रहा है? पापा, ये केक तो हम दोनों ने मिलकर बनाया है, आज हम बहुत बोर हो रहे थे ना, इसलिए। फिर गट्टू चिंकी और मम्मी पापा मिलकर केक काटते हैं और सबसे पहले पापा को ही खिलाते हैं। पापा कहते हैं, अरे वाह मेरे नन्हे शेफ्स, तुम दोनों ने तो बहुत ही अच्छा केक बनाया है। सच में ये केक तो बहुत यमी है। फिर गट्टू और चिंकी भी केक खाते हैं और उन्हें भी केक बहुत अच्छा लगता है। अब तो कभी भी घर में केक की जरूरत होगी तो मैं और चिंकी ही बनाएंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं तुम दोनों को अलग अलग फ्लेवर्स के केक बनाना भी सिखा दूंगी, फिर तुम मेरी भी हेल्प कर सकोगे। वाओ, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है मम्मी। फिर सब लोग साथ में मिलकर ढेर सारी बातें करते हुए केक एंजॉय करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।